प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का किया उद्घाटन। गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज बड़कासयाल कोल खदान का करेंगे निरीक्षण। रांची में CCL और ECL के अधिकारियों के साथ की बैठक। कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, NH के किनारे बनाए जाएंगे ट्रॉमा सेंटर। सड़क हादसों में घायलों के बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले चरण में 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे तेज स्टार्टअप इकोसिस्टम है और व्यापार की सुगमता के लिए देश में कई अहम कदम उठाए गए हैं। सिमिलरली डिजिटाइजेशन इज ऑल्सो ब्रिंगिंग स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टूडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। फिफ्थ, वी आर इन्वेस्टिंग हैविली इन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग यंग इंडियंस फॉर द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। We have an exceptional semiconductor design talent pool, which makes up to 20% of the world's semiconductor design engineers. Almost all of the top 25 semiconductor design companies have their design and R&D centers in our country. And sixth, we have undertaken several measures toward transforming the Indian manufacturing sector at a time when humanity was fighting a once in a century pandemic. India was not only improving the health of our people but also the health of our economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरदार धाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन 2026 के अंतर्गत 3 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय में छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाना है। गौरवपूर्वक स्वीकार कर एक टीम बनाओ, कारण मैं जोयु शिक्षण में अपना समाज घणु कर रहा है। आ नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी नो स्टडी कर अपना समाज जो एकेडेमिक में रहा है, गुजरात बाकी लोग अपना गुजरात अथवा अपने जो दिशा में जवा मांगी हिन्दुस्तान कोईपण खूणा में एम अपने आ नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी नो 100% लाभ लेवा माटे आपणे आपणी व्यवस्थाओमां नीति निर्धारणमां शुं बदल करी शकीए। आ एक बीजू काम। त्रीजू, मारे साथीओ आपने कहेवुं छे, अहीं मारी सामे बधा जे लोको छो ने 99% खेडूतना दीकरा छो। हवे तमे सूरतमां करोड़ों रूपया में रमता हो, मन कहीं आनंद थाय मारा माटे, पर भाई आपड़ी जड़ जे छे ने ई तो आपड़ी खेतर ज छे, खेती ज छे, आपड़ा बड़बाओनू जे तप छे ने ए ज छे। हवे मने को के आपड़े आटला बधा आगळ वध्या, आपड़ी खेती आगळ वधी, आपड़ा खेती ना क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आवे छे, लगभग जमीन पर बिल्डर आवे ने मोटी इमारत बनाई दे, कमाणी थाय एवा जुदी छे। साच अर्थ में
જ્યારે હવે નર્મદાનું પાણી ગુજરાતને ખૂણે ખૂણે પહોંચ્યું છે ત્યારે હું ઈચ્છું કે ગુજરાતની ખેતી આધુનિક બનાવવા માટે એ પણ એક મોટો બિઝનેસ છે તમે માની ચાલો દુનિયાનું પેટ ભરવાની તાકાત છે આપણામાં પરંતુ આપણે આપણા સંસાધનોનો ઉપયોગ પૂરતો નથી કરતા એકાદ બે ખેડૂતો પ્રગતિશીલ હોય સારી રીતે કરતા હોય મારી તમને વિનંતી છે प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आज शाम मैं अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करूंगा। इस समूह में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करूंगा। इस समूह में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। शाम करीब 5:30 बजे सभा को संबोधित करूंगा, जरूर देखें। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,377 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,496 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 2,496 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.63%, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.71%। वहीं देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। इनमें 22 संक्रमित रांची जिले के हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम और बोकारो के 3-3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इधर कोविड-19 की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए राजधानी रांची के रिम्स स्थित इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहां कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी आ चुकी है। इसके साथ चिकित्सकों को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,88,65,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यालय स्तर पर बच्चों के बीच आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस अभियान को सफल बनाने को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज श्री जोशी बड़का सयाल स्थित सीएचपी कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने रांची में सीसीएल और ईसीएल के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सीसीएल और ईसीएल को कोल उत्पादन बढ़ाने को कहा, ताकि ताप विद्युत केंद्रों को उसकी जरूरत के हिसाब से कोयले की आपूर्ति की जा सके। श्री जोशी ने दोनों कंपनियों के लिए कोल उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर उसे पूरा करने का निर्देश दिया है। मौके पर सीसीएल की ओर बताया गया कि उसके पास फिलहाल 6.5 मिलियन टन कोयले का स्टॉक है। यह कोयला ताप विद्युत केंद्र की 1 महीने की जरूरत को पूरा कर सकता है। इससे पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री ने राजमहल कोल खदान परियोजना को लेकर राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इधर कोडरमा ताप विद्युत संयंत्र में कोयले की जरूरत के हिसाब से आपूर्ति नहीं होने की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रही है। यहां मात्र 10 दिनों का ही कोयला स्टॉक बचा है। 27 अप्रैल को यहां मात्र 1 और कल 5 रैक कोयले की आपूर्ति हो सकी। इस वजह से 500 मेगावाट के 2 यूनिट वाले कल इस संयंत्र में क्षमता से कम बिजली का उत्पादन भी कम हो रहा है। संयंत्र के मुख्य अभियंता एन के चौधरी ने बताया कि अप्रैल में 97 रैक कोयला मिला, जबकि 130 रैक कोयले की आपूर्ति होनी चाहिए थी। का मेरा 10 दिन का है और अभी जो है जिस एवरेज से आ रहा है कि हमारा अप्रैल महीने में 97 रैक के आसपास आया है, जिसमें स्टॉक मेरा 9 से 10 दिन का जो बोला ही मैं उसी हिसाब से जनरेट मैं करता हूँ। मशीन मेरा फुल कैपेसिटी पे चलने को तैयार है। कलकत्ता जो मेरा फ्यूल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार जितना कोयला यहाँ मिलता है अकॉर्डिंगली हम लोग को जनरेट करना पड़ता है और जनरेशन अप या डाउन जो होगा वो डिपेंड करता है एसएलडीसी का कितना डिमांड है उसके हिसाब से होता है। लेकिन कोयले का जो स्टॉक है गवर्नमेंट के अनुसार 21 दिन का होना चाहिए, वो मेरे पास अभी फिलहाल 10 दिन।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीश के साथ होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले श्री सोरेन कल देर शाम हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि श्री सोरेन अपनी माता के बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे, साथ ही प्रखंडों में स्थित सामुदायिक और प्राथमिक केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि सड़क हादसों में घायल हुए लोगों का बेहतर इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सीएससी है या मंडल अस्पताल है, विशेष करके जो एनएच पर अवस्थित हैं, तो वहाँ पर हम लोग लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जगह बिजली की समस्याएं आती है, मुझे मालूम है कि कई जगह बिजली की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, तो वहाँ हम लोग जो है डीजे वगैरह दे रहे हैं ताकि जो है कोई को भी जान माल की सुरक्षा में दिक्कत नहीं आए। इसी के साथ हम कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर डेंजर जोन है, वहां पर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन मशीन भी लगाने जा रहे हैं, और जो भी ऐसे घातक इलाके हैं वहां के लिए अलग कार्य योजना बनाई जा रही है। अभी हमने 5,618 करोड़ की जो है स्वास्थ्य की बजट बनाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का दस्तावेज जारी करेंगे। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की विकास प्रक्रिया, इसकी संभावित संरचना और उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है। आपको मालूम होगा असीम की शिक्षा नीति में पहली बार जो प्री स्कूल यानी प्री प्राइमरी शिक्षा को भी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है, यानी कि पहले जो फॉर्मल स्कूलिंग जो शुरू होती थी कक्षा एक के बाद, अब जो प्री स्कूल जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए थी उसको भी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनाया गया नई शिक्षा नीति में। तो उसके लिए क्या करिकुलम होना चाहिए वो भी करिकुलम तैयार करने की जिम्मेदारी इस स्टीयरिंग कमेटी को दी गई थी। तो एक हो गया स्कूली शिक्षा, दूसरा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी प्री प्राइमरी शिक्षा, तीसरा है टीचर एजुकेशन, और चौथा है एडल्ट एजुकेशन यानी जो प्रौढ़ शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। इन चार विषयों पर करिकुलम तैयार करने की जिम्मेदारी इस स्टीयरिंग कमेटी को दी गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कस्तूरी रंगन कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार करिकुलम बनाए जाएंगे, किस प्रकार इन चारों विषयों पर शिक्षा में रिफॉर्म किए जा सकते हैं, इस पर कमेटी विचार कर रही है और व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस विराम के बाद। उसमें पत्थर उथल गिर जाए तो मौत भी हो जाती है, चोट भी हो जाता है, फिर अपाहिज भी हो सकते हैं, इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में आज भी ढेर सारे बच्चे स्कूल की बजाय अभ्रक की खदानों में डिबरा चुनने जाते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बच्चा पढ़ाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 6 मई तक पर्चे भरे जा सकेंगे। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज 5वां दिन है। इसके अलावा दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में होने वाले चुनाव को लेकर कुल 29,347 प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। इन सभी नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल तक होगी। वहीं पहले चरण में 21 जिलों में 72 प्रखंडों में 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आज आवंटित किया जाएगा।
मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रांची, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं 1 और 2 मई को राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पलामू में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा शासित राज्यों और कुछ अन्य राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 श्रमिकों में से 10 की सकुशल वतन वापसी हुई। रांची पहुंचने के बाद सभी श्रमिक अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। इनमें गिरिडीह जिले के 6 और हजारीबाग एवं बोकारो जिले के 2-2 श्रमिक शामिल थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान 5 अलग अलग रेंज के डीआईजी ने तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाठकर, आईजी अभियान अमोल वी होमकर, चुनाव कोषांग के प्रभारी अनुप बिरथरे, जैप डीआईजी सुनील भास्कर सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी शामिल थे। रांची के रातू निवासी कृष्णा लाल रजक और नीलम रजक की पुत्री स्नेहा हर्ष ने झारखंड का नाम रोशन किया है। स्नेहा का चयन उच्च शिक्षा के लिए हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के लर्निंग डिजाइन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में होने पर कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इंटरमीडिएट परीक्षा से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉलेज की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 50,000 रूपए का जुर्माना लगाया। दुमका केंद्रीय कारा में विचाराधीन 83 वर्षीय नक्सली रसिक मरांडी की दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नक्सली 2017 से दुमका केंद्रीय कारा में बंद था। वह काठीकुंड प्रखंड के ताल डंगाल का रहने वाला था। जमशेदपुर के परसुडीह खास महल स्थित सदर अस्पताल का दिल्ली से आई 2 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम में डॉक्टर वीना और डॉक्टर प्रेम कमल अग्रवाल शामिल थे। रांची रेल मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति रांची की बैठक हुई। बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा मंडल पर सभी विभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की प्रगति पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा दर्शाई गई। मौके पर दैनिक कार्यों को राजभाषा में निपटाने के लिए कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा के नाम पर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि इस नंबर से किसी भी मैसेज अथवा फोन आने पर कोई भी प्रतिक्रिया या जवाब ना दें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पाकुड़ जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के पाकुड़िया प्रखंड के बीडीओ ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन कराने के उद्देश्य से पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत सभी सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में तैराकी में श्री श्रीधर ने स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। वहीं मुक्केबाजी और तैराकी प्रतिस्पर्धा संपन्न हो गई है। अब सबका ध्यान कल से शुरू होने वाले एथलेटिक्स स्पर्धा पर केंद्रित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार शामिल योगासन के सेमीफाइनल मुकाबले भी आज खेले जाएंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में मुकाबला खेला गया, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तैराकी में 14 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अब तक खेले गए मुकाबले में जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा कायम है। 6ठे दिन की पदक तालिका में बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी 16 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसके खिलाड़ियों ने अब तक 9 स्वर्ण, 5 रजत और 13 कांस्य पदक को अपने नाम करने में सफलता पाई। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहां 6 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ वो तीसरे पायदान पर बनी हुई है।
आईपीएल क्रिकेट में आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। वहीं 8 मुकाबले खेल चुकी पंजाब किंग्स के खाते में 4 जीत और 4 हार है। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति को सुधारने की होगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया है। 40 रन बनाए थे। कोलकाता द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 42 रनों की पारी खेली, अक्षर पटेल ने 24, ललित यादव ने 22 और रोवमैन पावेल ने 33 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था। 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थायी भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शत शत नमन। आज हम ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में ब्रिटिश शासन से जुड़े। 4 वर्ष बाद ही उन्होंने डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना जीवन देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधीवादी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो ओडिशा कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए और बाद में उत्कल सम्मेलनी के स्थायी सदस्य भी बनाए गए। स्वराज के लिए गांधीवादी संघर्ष के इस चरण में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जनवरी 1922 में जगत सिंहपुर में अल्काश्रम की स्थापना था। इस आश्रम में उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण और शिक्षा की गांधीवादी प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर अपनाया। 1930 में गोपबंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के विख्यात नेता बन गए। ब्रिटिश प्रशासन ने 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया और मार्च 1931 तक कारागार में रखा। 1934 में महात्मा गांधी ने ओडिशा में पदयात्रा की। गांधी जी ने गोपबंधु को बारी में सामाजिक कार्य करने के लिए चुना और गांधी जी की ही सलाह पर उन्होंने 13 अगस्त 1934 को अपने परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ बारी में एक ठिकाना बना लिया और लोगों के लिए सेवा कार्य शुरू कर दिया। आजादी के बाद गोपबंधु 1950 के दशक में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन से जुड़ गए। ग्रामीण ओडिशा में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के सार्थक सेवा काल के बाद 29 अप्रैल 1958 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपबंधु चौधरी को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद इंद्रभूषण राय का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1890 में खुलना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। 1908 में इंद्रभूषण
हाई स्कूल के विद्यार्थी थे जब उन्होंने चंद्रनगर के मेयर पर बम फेंका था। बाद में वे माणिक टोला गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए उन्हें 1909 में 10 वर्ष के लिए सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि उन्होंने 29 अप्रैल 1912 को जेल में ही आत्महत्या कर ली। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को शत शत नमन। झारखंड में इस वर्ष तरबूज की बम्पर पैदावार हुई है। तरबूज बेचकर एक एक किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। खास बात यह है कि लाभ कमाने वालों में क्षेत्र की महिला किसान पुरुषों से दो कदम आगे है। इस वर्ष राज्य में तरबूज की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे रांची के ओरमांझी प्रखंड के उकरीद गांव के किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। इस गांव की महिला किसानों ने लगभग 10 एकड़ से अधिक भूमि में तरबूज की खेती की और एक एक ने लाखों रुपए कमाए। महिला किसान बालू देवी बताती हैं कि झारखंड के अलावे कई दूसरे राज्यों से भी व्यापारी आते हैं और नगद भुगतान कर खेतों से ही तरबूज ले जाते हैं। का एकड़ में लीज लेके किसान कर रहे हैं, तभी 1 से 1.5 लाख तक लोगों अभी तुरंत कमा रहे हैं। और उस तरबूज में और तीन फसल में अभी बहुत ही अच्छा कमाई हो रहा है। गांव की सूरजमणि देवी कहती हैं कि कोरोना की वजह से गत वर्ष उन्हें तरबूज में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल के 2-3 गुना फायदे ने उनका पिछला सारा घाटा पाट दिया। कमाए और ड्रिप में बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा से खेती हम लोग कर पाते हैं ड्रिप में। और पहले ऐसे ही खेती नहीं कर पाते थे, अब ड्रिप में आसान लगता है कि कर पा जाएंगे ऐसा। एक अन्य महिला किसान पिंकी देवी का कहना है कि GSLPS की ओर से दिए गए ड्रिप सिंचाई प्रणाली से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। एक बार पूंजी लगाकर वे कई बार विभिन्न सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। एक एकड़ में मान लीजिए 70-80 हजार रुपया जो हम लोग लागत लगाते हैं, उसमें हम लोग का पूंजी भी निकल जाता है, कुछ रुपया हम लोग का फायदा भी हो जाता है। जैसे फिर दूसरा फसल लगाते हैं, उन लोग हम लोग का पूरा इनकम रहता है। और तीसरा फसल में हम लोग मटर लगाते हैं, उसमें हम लोग जो मटर लगाते हैं इनकम होता है, उसी मटर पैसा से हम लोग खेती आराम से कर लेते हैं। तरबूज एक नगदी फसल है और इसका दाम किसानों को हाथों हाथ मिल जाता है। वहीं कृषि क्षेत्र में आधी आबादी की बढ़ चढ़ कर हो रही भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी उन्नत बन रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का किया उद्घाटन। गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी अदबड़ का सयाल कोल खदान का करेंगे निरीक्षण। रांची में CCL और ECL के अधिकारियों के साथ की बैठक। कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा NH के किनारे बनाए जाएंगे ट्रॉमा सेंटर। सड़क हादसों में घायलों के बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले चरण में 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन आज।